देंगे। काला पानी पर नेपाल पीएम ने दिखाए भारत को तेवर, कहा एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। नेपाल की प्रधानमंत्री ओली का ऐलान, काला पानी इलाके से हटाए जाएंगे भारतीय सैनिक। ओली बोले, नक्शा कोई भी छाप लेता है। भारत के नए राजनीतिक मानचित्र को लेकर पाकिस्तान की आपत्ति के बाद नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है। वहां भारत के नए मानचित्र को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, नेपाल भारत और तिब्बत के बीच ट्राइजेक्शन में स्थित काला पानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत को वहां से अपनी सेना तुरंत हटा लेनी चाहिए। उन्होंने भारत से काला पानी इलाके से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, की जमीन पर एक इंच अतिक्रमण नहीं करेगा और अपने क्षेत्र का एक इंच हिस्सा दूसरों को देगा भी नहीं। हम भारतीय सुरक्षा बलों को काला पानी से हटाएंगे। नेपाल की जमीन पर नेपाली सेना रहेगी। ओली ने कहा, हम नेपाल की हर इंच भूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। देश की सीमा पर दशकों से अतिक्रमण किया गया है, पर सरकार जल्द अपनी जमीन वापस लेने के प्रयास करेगी। ओली ने कहा, हमारे भूभाग से भारतीय सेना के हटने के बाद ही हम किसी वार्ता में शामिल होंगे। नेपाली पीएम ने कहा, उनकी सरकार अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। देश की सुरक्षा बल अपनी जमीन पर अपना अधिकार वापस लाने के लिए एकजुट है। नेपाली पीएम ने यह बात भी स्वीकार की, भारत के नए नक्शे के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। ओली ने कहा, काला पानी इलाके को लेकर ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जैसे वह आज ही की घटना हो, जबकि यह दशकों पहले की बात है। उन्होंने कहा, यह राष्ट्रभक्त सरकार किसी को नेपाल की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। शांति प्रिय देश नेपाल न तो किसी देश की जमीन पर कब्जा करेगा और न ही किसी को अपनी जमीन पर कब्जा करने देगा। ओली ने कहा, असल में जमीन पर अपना अधिकार स्थापित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम केवल नक्शे को संशोधित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं। ओली ने कहा, इतने सालों से काला पानी को लेकर खामोश रहे लोग कट्टर देशभक्ति के नाम पर अराजक गतिविधियां चला रहे हैं। हालांकि ओली ने यह भी कहा, उनकी सरकार काला पानी मुद्दे को लेकर कूटनीति के जरिए ही सुलझाना चाहती है। गौरतलब है कि भारत ने हाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद देश का नया नक्शा जारी किया था, जिसके बाद नेपाल ने काला पानी क्षेत्र को उत्तराखंड में दिखाए जाने पर ऐतराज जताया था। नेपाल की आपत्ति के जवाब में भारत ने कहा था, नक्शा पूरी तरह से भारत की संप्रभुता को दिखाता है और नेपाल के साथ सीमा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बताते चले, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत ने देश का अपडेटेड राजनीतिक नक्शा जारी किया। नेपाल लिम्पिया धुरा काला पानी और लिपु लेक को भारतीय सीमा में शामिल करने का विरोध कर रहा है। नेपाली कांग्रेस से जुड़े संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ ने रविवार को लेंचोर स्थित भारतीय दूतावास के समक्ष इसे लेकर प्रदर्शन किया। बाद में इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।